बीजेपी स्ट्रॉन्ग कहीं पे नहीं है। इस बार लग रहा है कि यहाँ की जनता इस बार कांग्रेस को जिताने वाली है सर? 100% अगर ये लोग ईवीएम का घोटाला नहीं करेंगे तो जरूर जीत जाए। राहुल गांधी बाटन कालू भाई फपटवा में, अल्लाह हो गई गौआ गौआ में। कालू भाई जीती ही तो बिजली रोड पानी के सुधार कर वही है। इतना त्रस्त है इनसे कि मतलब जनता खाली इंतजार में है कि कब तारीख आवे, कब हम वोट दें। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट है कांदिवली ईस्ट की, और वहां पर हम इस समय खड़े हैं। ये चौराहा है, आप ये चौराहे पर आप देख सकते हैं कितनी चहल पहल रहती है। और मेरे पीछे देखिए आप, इस समय महाराष्ट्र में, खासकर अगर मैं मुंबई की बात करूं तो चुनाव का रंग देखने को मिल रहा है। और कांदिवली ईस्ट में मुकाबला है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच में। और मेरे पीछे इस समय कांग्रेस के जो टिकट पे उम्मीदवार यहां से बने हैं, कालू बुदेलिया जी, वो इस समय मौजूद है पीछे। और देखिए अपने समर्थकों के साथ में, इस तरीके से एक बार दिखाइए वहां पर कि किस तरीके से अपने समर्थकों के साथ में वो मिलजुल रहे हैं और आज यात्रा निकाल रहे हैं जहां वो लोगों से मिलेंगे जुलेंगे और बातचीत करेंगे। अब भी कोशिश करेंगे कि जरा उनसे मिला जाए, बातचीत किया जाए और देखा जाए कि किस तरीके से उनकी तैयारी है, क्योंकि यहां से जो मौजूदा विधायक हैं अतुल, वो बीजेपी से यहां पर विधायक हैं, उन्होंने भी पूरी तैयारी कर रखी है। और क्योंकि जो बोरीवली, कांदिवली, मलाड, ये जो एरिए हैं, ये मुंबई नॉर्थ की लोकसभा सीट बात करें उसमें आते हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो मराठी भी हैं, कुछ उत्तर भारतीय भी हैं, कुछ गुजराती भी हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अलग अलग जो है कलर देखने को मिलते हैं। तो आज हम दिखाएंगे कि किस तरीके से अभी आगे तो कार्रवा बढ़ेगा, तो किस तरीके से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कुछ पब्लिक भी यहाँ मौजूद है जो आई हुई है, उनसे भी बातचीत करें। देखिए ये कांदिवली ईस्ट की विधानसभा सीट है जहाँ पर इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी जो है कालू बुदेलिया जी, वो सबसे मिल रहे हैं। सर, राहुल गांधी, नाना पटोले ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है कांदिवली ईस्ट की सीट जीत कर लाने की, क्या तैयारियां, कैसे जीतने की तैयारी है पूरी? विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं, जनता का बहुत आक्रोश है और हम लोग जीत रहे हैं। सर, कौन कौन से इस बार मुद्दे हैं जिनको आप फोकस करेंगे इस बार? ये तो इतने मुद्दे हैं कि कोई बेहिसाब मुद्दे, कुछ काम ही नहीं हुआ है। सर, कैसा लग रहा है माहौल अभी कांदिवली ईस्ट में? मुकाबला तगड़ा है इस बार? कांदिवली ईस्ट तो जीत के ही आएंगे, सरकार बनाएंगे, सरकार 20 तारीख का दिन से इस बार, क्योंकि मौजूदा विधायक अतुल जी रह चुके हैं यहाँ से। मौजूदा विधायक अतुल जी ने खाली अपना एडवर्टाइज के लिए जगह जगह खाली बना दिया है और उन्होंने सब जगह अपना वोट लगाया है और उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। इस बार लग रहा है कि यहाँ की जनता इस बार कांग्रेस को जिताने वाली है? 100% अगर ये लोग ईवीएम का घोटाला नहीं करेंगे तो जरूर जीत जाए। वैसे कहा जाता है कि बोरीवली, कांदिवली, मलाड, ये थोड़ा यहाँ पर क्या है, थोड़ा बीजेपी थोड़ी स्ट्रांग मानी जाती है? ऐसा है, बीजेपी स्ट्रांग कहीं नहीं है, बीजेपी स्ट्रांग कहीं पे नहीं है, खाली कांग्रेस को हराने वाले कांग्रेस ही होते हैं। और इनका अतुल भातलकर का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ना कोई उनका वो है, खाली वो फालतू बात करता है, जगह जगह अपना वोट लगा के वो पोस्टर बॉय है और कुछ नहीं। राहुल गांधी आने वाले हैं 6 तारीख के बाद, लग रहा है और मजबूती मिलेगी? बहुत मजबूती मिलेगी और जनता इस समय एकदम त्रस्त हो चुका है, इतना त्रस्त है इनसे कि मतलब जनता खाली इंतजार में है कि कब तारीख आवे, कब हम वोट देंगे। लोगों ने इतना अत्याचार, अब बीजेपी का सारा नंगापन सामने आ चुका है। आप देख रहे हो कि जिसको बोले कि 77,000 करोड़ का घोटाला है, दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री बना दिए, अब वो बहुत बड़ा हरिश्चंद्र हो गया। तो इन लोगों का यही काम चल रहा है और कुछ नहीं। इन लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को मूर्ख बनाना, झूठ बोलना और झूठ बोल करके किसी तरह गुमराह करना। अब एक दिन किसी हमारे कांग्रेस वाले ने कहा कि ये लोग बहुत घोटाला कर चुके हैं, बोले महाराष्ट्र की GDP 13% आ गई है, तो 13% GDP क्यों नहीं आएगी? जब सब बैंकों का, जो बैंक NPA हुए उसका राष्ट्रीयकरण हटा करके प्राइवेट लिमिटेड कर दिए। आज ये लोग खाली है, जो बीजेपी बैठी है सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए बैठी है। आपको बता दें 500 एकड़ जमीन अडानी को देने के लिए ये लोग BKC जैसे रॉयल जगह को उसको दे रहे हैं। ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं लोग,
मतलब सिर्फ जनता को लूट रहे हैं। इस बार आप लोगों का सिर्फ मुद्दा यही है और इन मुद्दों पर जो है लग रहा है कि इस बार की लड़ाई मुद्दा है और मतलब भ्रष्टाचार का अंत है जी, हद है भ्रष्टाचार का जी। और ये लोग जो भी बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। मराठी में कहावत है ना कि छोटा बोला रेटून बोला, तो ये लोग सिर्फ झूठ बोलते रहते हैं। एक इनका प्रवक्ता है, इधर से उठेगा एक उधर से उठेगा और कुछ ना कुछ बोलेगा बकेगा, बस यही करते हैं। और इन लोगों का कोई काम नहीं है। आप बताइए, ये सड़क अच्छी थी, ये जिस पे चल रहे अच्छी थी, इसको खोद करके खाली पैसे के लिए कमीशन के लिए इन लोगों ने फिर पक्का बनाया, यही सब कर रहे हैं। और आज देखिए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लग रहा है इस बार की माहौल बदलेगा, आप लोग के पक्ष में जाएगा, निश्चित बदलेगा। आइए आपको दिखाते हैं, देखिए पीछे भी कुछ लोग हैं। सर बहुत धन्यवाद, हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए, रैली में शामिल है आप, अभी पूरा विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है कांदिवली ईस्ट में घूम रहे हैं, क्या कहेंगे बताइए? अपना जीत के चर्चा है, अपना जीत के चर्चा है, अपने जीतेंगे। कालू भाई विधायक बनी है, अच्छा दिल आई है, बिजली रोड के सुधार कर आई है, इनकर जीत के चर्चा होला महाराष्ट्र चुनौवा में, अल्लाह हो गई गौवा गौवा में, राहुल गांधी बाटन कालू भाई फपटवा में, अल्लाह हो गई गौवा गौवा में, कालू भाई जीती ही तो बिजली रोड रोड पानी के सुधार कर वही है, इनकर जीत के चर्चा होला महाराष्ट्र चुनौवा में, अल्लाह हो गई गौवा गौवा में। देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरीके से जो समर्थक हैं जो साथ में चल रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपने उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो है वो जीत करके आएंगे। हालांकि 20 नवंबर को मालूम चलेगा कि आखिर ये जो 288 सीटों में से जो कांदिवली एक विधानसभा सीट है वहां पर जो कड़ा मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, उनके बीच में कौन जीतता है ये 20 नवंबर को मालूम चलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर, किसी बड़े मुद्दे पर। तब तक आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।